एरिया बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ से जो एक्सपेक्टेशंस हैं टीम से खरी उतरती भी दिख रही है। हाई ग्राउंड प्लस ट्रेंच कवर और क्या चाहिए टीम सोल को, लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर डैमेज दे रहे हैं टीम सोल हर एक डायरेक्शन में। जाइए आप लोग भी इस फाइट्स को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और इसके साथ साथ जो भी स्टैंडिंग्स है वो आपको मिलेंगे, कॉम्पिटिशन भी देखने का मौका मिलेगा। एंजॉय कीजिए एंड उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। परेशान करती हुई ये खिलाड़िया, वाओ नियो का एक और स्प्रे, सूर्य को भी नॉक कर दिया जाता है, सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचा हुआ है, 5 से सीधा 9 पनिश पॉइंट्स हो सकते हैं। गॉडलाइक के नाम नियो यहां पर 2 प्लेस को डाउन कर चुके हैं, पेड़ के पीछे एक खिलाड़ी बचा हुआ है, नियो पीछे से सरप्राइज अटैक का शिकार भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान उस चीज का रखना पड़ेगा। नहीं है नियो को आइडिया कि पीछे से एरिया क्लियर नहीं है, बट अब शायद हो चुका बिकॉज फिनिशेस में इजाफा होता हुआ हमने देख लिया, 5 से हो गए 8। जोनाथन वहां पर रौनक को फिनिश ऑफ कर जाते हैं, एंटो यहां पर बचेंगे और टेस्टो को रिवाइवल मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होने वाला है। वेल अगर आप पोजीशन की बात करेंगे, अभी भी सेंटर सर्कल में बैठे हुए सारंग यहां पे आप देख सकते हैं फिनिश ऑफ हो जाते हैं एंड धीरे धीरे करके हर एक चीज यहां पे कन्वर्ट हो रही है टीम सोल के फेवर में। फिर से जोन जाता है सोल के पास। आपको क्या लगता है दर्शकों, कौन सी टीम जीतने वाली है? इंस्टाग्राम पे जाइए, वोट कीजिए, पोलिंग सेक्शन यहां पे खोल दिए गए हैं, कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। सोल मॉर्टल कमिंग अप इन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिनिश फील्ड, एक 1v3 लेके जाने वाले हैं अपने ग्रेनेड के साथ साथ। जोन के सेंटर में मॉर्टल को सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बिठा दिया, स्काउट वहां पर अपनी डीएमआर के साथ क्लच स्क्वाड को डाउन करते हैं। लुक एट द फिनिशेस, 14 फिनिशेस के साथ। मुझे वो सेगमेंट दोबारा से याद आ रहे हैं कि जब जीतना सबसे ज्यादा जरूरी होता है तब टीम सोल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सेमीफाइनल्स का वो आखिरी मैच और ग्रैंड फाइनल्स के छठे दिन का पहला मुकाबला, यहां से कुछ और ही फॉर्म में नजर आ रही है टीम सोल, एक अलग ही माइंडसेट के साथ यहां पर देखने को मिल जाएगी। और ये रिजल्ट्स अगर इनके फेवर में जाते हैं तो अभी तक के जितने सवाल आते कि क्या कर पाएगी, क्या टॉप 5 आएगी, सब सवालों पर पानी फेर दिया जाएगा बिकॉज यहां से कुछ भी हो सकता है। जोनाथन पर यहां पर डैमेज दिया जा रहा है DMR के चलते, ब्यूटी विद दैट DMR, गॉड एंड जोनाथन इज ऑन हिज नीज, वी हैव क्लच गॉड अप देयर, स्काउट हर उस जगह पे जहां पर ये मिनी 14 का आईडीएस खोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉकआउट ही खोज रहे हैं, 7 सोलो फिनिश पॉइंट्स इनके नाम। लुक एट द स्प्लिट ऑफ टीम सोल, कोई भी खिलाड़ी साथ में नहीं है, स्काउट एक एंगल पे है, मॉर्टल दूसरे एंगल पे है, मैं देख सकता हूं दूसरी तरफ में मवी खेल रहे हैं एंड रेगल टॉस एक अलग ही दुनिया में, यहां पे स्पैम किया जा रहा है मिनी 14 के साथ साथ, सब प्रेशर का जो फायदा मिल रहा है। रेगल टॉस यहां पे ऑस्टिन का भी फिनिश ऑफ लेके जाने वाले हैं, टॉप डॉग को भी किया जाता है फिनिश, स्काउट को यहां पे फाइनली करेंगे नॉकआउट, लेकिन कौन सी टीम है वो, इट्स गोइंग टू बी 7 सीज, अभी संभल के रहना पड़ेगा। और मवी का बैकअप आता है, जय दिक्कत में, और वीरू ना है, कैसे हो सकता है ये मुमकिन? बसंती क्या गब्बर भी नचा देंगे आज 18 फिनिशेस के साथ, टीम सोल की डोमिनेशन। त्रिवेदी साहब को यहां पर मॉर्टल और स्काउट दोनों को रिवाइवल देना है, जोन के बाहर है, 72 मीटर तक जाना है। अगर रेगल टॉस मॉर्टल को रिवाइवल दे देते तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जोनाथन को फिनिश ऑफ कर यहां पर 19 फिनिशेस के साथ टीम सोल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, बट गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी अभी भी बचे हुए हैं जिनके पास जोन का एक बेहतर एरिया है, जो 2 प्लेस नॉक है, अगर वो डाउन हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहां से इक्वेशन थोड़ी सी बराबर ही हो चुकी है। प्रिंस यहां पर स्काउट को पूरे तरीके से फिनिश ऑफ कर जाते हैं, मॉडल जो नॉक है उन्हें रिवाइवल देना मुझे आसान नहीं लग रहा कैप्टन, एंड ये इक्वेशन कहीं ना कहीं 2v2v2 पर ही आ चुकी है। वेल रेगल्टॉस कोशिश तो कर रहे हैं मॉडल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, नियो यहां पे 7 सीज के ऊपर थर्ड पार्टी करते हुए नजर आएंगे, मतलब 7 सीज को भी जूझना पड़ेगा यहां पर 2 टीम के साथ साथ, 3 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम सही है। टीम सोल 7 सीज एंड गॉड लाइक क्लच गॉड जब तक है तब तक मुमकिन है ये फाइट लेके जाना। रेगल टॉस भी यहां पे हार नहीं मानने वाले हैं, वो आते हैं रिवाइव देंगे मॉर्टल को, फाइट यहां पे 3v2v2 पे कन्वर्ट होता हुआ। एक जो टेबल में सेकंड पे है, एक जो टेबल में थर्ड पे है, और एक जो कहती है कि हमें दिन से मतलब नहीं है, 12 मैचेस वी आर अप टू इट। यहां पर अब डोमिनेशन की बारी आ चुकी है, रेगल टॉस मॉर्टल एंड मवी एक ईस्टर्न कॉर्नर पर, सामने से आपको मिल जाएंगे 7 सीज के 2, वेस्टर्न साइड पर आपको मिल जाएंगे टीम गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी। बट जोन अगर इस पूरे मैच में किसी से अपनी दोस्ती सही तरीके से निभा पाया तो इट वाज टीम सोल, अभी तक भी सर्कल के अंदर है और गेट कीप करना मुझे यहां से बहुत मुश्किल नजर नहीं आ रहा। 19 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं, क्लच गॉड यहां पर अभी के लिए प्रिंस ऑफ स्प्रे गॉड की इस डुओ डोमिनेशन पर थोड़ा सा भारी प्रहार करते हुए। स्मोक कवर का इस्तेमाल किया जा सकता है, टीम सोल इज लुकिंग फॉर दो स्मोक कवर्स एंड ऑलरेडी आप देख सकते हैं रेगल टॉस स्मोक्स को टॉस आउट कर रहे हैं 7 सीज के ऊपर, पूरी तरीके से यहां पे स्प्रे डाउन किया जा रहा है। रेगल टॉस को फायदा मिलेगा सप्रेसर का, M16 विद सप्रेसर, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी पोजिशन यहां पर पता नहीं चलने वाली है। क्लच गॉड गोइंग इन फॉर दैट लोअर रिज, लाइक यहां पर सोल अगर नहीं दिखते हैं इस लोअर रिज में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट नियो पीक करते हैं यहां पर 7 सीज से झटका पड़ने वाला है। रेगल टॉस ट्राइंग टू बी एग्रेसिव, अगर क्लच गॉड यहां पे स्पॉट हो जाता है देन इट्स ऑल ओवर फॉर टीम गॉड, लाइक नियो को पोजिशन पता हो चुका
सकता है, स्पेन गॉड को किया जाएगा नॉकआउट एंड सेवन सीज के आखिरी खिलाड़ी आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी फाइनली एंड क्लच गॉड को भी किया जाता है नॉकआउट। इट्स अ वन वर्सेस थ्री फॉर टीम सोल। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सोल विनर विनर चिकन डिनर। माया व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? Winners don't wait for chances, they make them. यहाँ पर टीम सोल के पास एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से वो फ्लो की आप बात कर रहे थे वो सामने पूरी तरीके से आ चुका है। वाओ, टीम गॉड लाइक यहां से डाउन हो चुकी है, डाउन टू वन, प्रिंस बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग और तीन खिलाड़ी यहां पर टीम सोल के बच जाते हैं। लुक एट द फिनिशेस, 21 फिनिशेस के साथ टीम सोल यहां पर अपने आज के पहले ही मैच पर चिकन डिनर लेके जाती है। प्रिंस के पास ज्यादा मौका नहीं है जोन के बाहर और टीम सोल आई थिंक क्या बेहतर स्टार्ट यहां पर हो जाती है। टीम Soul coming up with the sweet smell of victory for the very first match of Grand Finals.